बनारस में पहुँचे हैं और सामने देखिए इन मैडम जी को आप लोग देख के जान गए होंगे, बहुत सारे मैं वीडियो शूट किया हूँ जिसमें नजर आई हैं। शुभ नाम बताइए। सुश्री अर्चना गुप्ता जी। अर्चना जी हैं और ये एक पशुपालक हैं, शौकिया पशुपालक आप लोग कह सकते हैं, शौक से अपने यहाँ बहुत सारी भैंसों को रखी हुई हैं और ये काफ़ी वर्षों से रखी हुई हैं, बराबर हम इनके यहाँ आते जाते रहते हैं, है ना। इनके यहाँ जब हम आए हैं तो हमें मालूम चला है कि जो मैं पहले वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत से लोग जो बिक्री की इनकी जो भैंसें हैं कहीं ना कहीं लेने की जो इच्छा रखने वाले लोग होंगे, जैसे भैंस खरीदने वाले, वो लोग संपर्क किए इनसे, लेकिन कहीं ना कहीं कितनी भैंसें बिकी हैं आपके यहाँ से अभी? अभी दो भैंस जी और बाकी सब रह गई हैं। हाँ, अभी नहीं तो एक और नया लाए हैं ना पंजाब से जी। ये हम जो है जी, पहले हम शॉप में रखे थे जी, लेकिन अब हम इसको अपना प्रोफेशनल बना रहे हैं जी, यानी आप बिक्री का काम करेंगे जी। हाँ। देखिए मैडम जी हैं और कहीं ना कहीं ये शौक से अब इनकी इच्छा है कि कहीं ना कहीं हम भैंसों को बेचने का काम करेंगे। हाँ, बेचने और खरीदने का जी। ले आइए भैया, इधर ले आइए, सामने देखिए एक भैंस को दिखाया जा रहा है। हाँ, पहली बयान की है। हाँ हाँ अर्चना जी, इसके बारे में आप ये बताइए कि ये गाभिन कितने दिन की है? ढाई महीने की गाभिन है। ढाई महीने की तो दूध तो देती ही होगी अभी। हाँ, दूध देती। कितना दूध है? 8 लीटर है। टाइम का जी, जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी भैंसे देख रहे हैं, चाहे ये भैंस चाहे ये सब भैंस, ये सब की सब भैंसें हरियाणा से आई हुई हैं, है ना। इन भैंसों का रिकॉर्ड रहा है, कहाँ से मंगाती हैं जी आप? पंजाब से मंगवाते हैं। पंजाब या हरियाणा? हरियाणा से भी मंगवाते हैं, पंजाब से है तो सब उसी बेल्ट है ना। अच्छा अच्छा जी, आपका जो मुख्य जिस जगह से भैंसे आती हैं वो जगह बताइए, खुल के बताइए आप। देखिए इसार से भी मंगाते हैं हम। हाँ, हरियाणा से भी मंगवाते हैं। हाँ, 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 हाँ। नामी नामी लोग हैं जो इन्हें भैंस। हम रणवीर मलिक। हाँ बोलिए, खुल के बोलिए। हम रणवीर मलिक यहाँ से भी भैंस लाते हैं जी। आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि मैडम जी के पास कहीं ना कहीं शौक भी है और पैसा भी है, दोनों है, और इसी वजह से देखिए तो आप लोग की वजह से है, आप लोग का आशीर्वाद है। तो समझ लीजिए आप लोग कि शौक से मैडम जी को अगर कोई भैंसे पसंद आ जाती है तो हम ले लेते। हम महंगा भैंस लाए लेकिन जब हमारे पास उस तरह के ग्राहक रहे तो हम और लाए महंगा, हम 5 लाख 8 लाख तक के भी ला सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम लाए 5 लाख का और जब खरीदने लोग आते हैं ना तो कहते हैं कि अरे 2.5 लाख ले लीजिए। बताइए हम 5 लाख का लाकर 2.5 लाख का बेचेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल, ये भैंस बकेन्ना की स्थिति में है और इसकी बिक्री होने वाली है, है ना। इसका दाम है 2,10,000। 2,10,000। थोड़ा सा भैया आगे बढ़ाइए, देखिए जो घास फूस है, देखिए भैंस खाने में भी अच्छी है, बहुत ही आराम से घास फूस खा ले रही है और खान पीन में भी ठीक है ना जी? जी खान पीन में बहुत अच्छी है। कितने महीने की गाभिन है? 2.5 महीने की है। 2.5 महीने की जी। और कौन सा बयान हो जाएगा इस बार? ये दूसरा हो जाएगा। हाँ। इसका दाम जो है 2,10,000। 2,10,000। इधर ले आइए, जो अच्छे पशुपालक होंगे इस भैंस को देख के समझ पाएंगे, वही ले पाएंगे जी, क्योंकि बकेना में सब लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, इतना पैसा बिल्कुल, क्योंकि हम उतना महंगा लाए हैं तो हम नहीं बेचेंगे तो हमको कहाँ से देंगे जी। जो अन्य लोग होंगे जैसे देसी भैंस रखने वाले लोग, वो नहीं ले पाएंगे इस भैंस को, नहीं जान पाएंगे भली भांति, और जो लोग शौकिया होंगे, जो जानकार होंगे बिल्कुल, वो ले जी। मैडम जी का कहना है कि ये भैंस 2,10,000 में हम बेचेंगे, कुछ कम होगा ना उसमें? सोना थोड़ी रहा तो कम बेसी होता ही रहता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। लगभग इसका दूध कितना बताई थी आप? 8 लीटर। लेकिन मार देते हैं, टाइम का दूध 8 लीटर रहा है? दोनों टाइम। अच्छा, दोनों 4-4 लीटर। 5 लीटर सुबह देती है। हाँ, और शाम को 3 लीटर, 3.5 लीटर इस समय। हाँ, इस समय बकेना हो गई है ना? जी बिल्कुल, तो उसका क्वालिटी है, इसलिए हम 2-10 लाख मांगे हैं। और वही अगर ताजी रहेगी तो हम 3.5 लाख रुपए मांगेंगे जी। भैया बांधिए और दूसरी भैंस को लाइए, है ना। अच्छी भैंस है, खिलाई पिलाई अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास अच्छा रहे तो बहुत बढ़िया है ना। चौड़े पुट्ठे वाली भैंस है। अर्चना जी का कहना है कि इसका दाम 2,10,000 लेकिन कम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, कम होगा ना जी। अब हम पहले से ही थोड़ा कह दे तो लोग
थोड़ा सा करेंगे। अच्छा अर्चना जी, एक बात बताइए, आपके मन में कब से ये भावना आया कि हम भैंस रखें? देखिए, भैंस तो हम रखते थे, लेकिन अपने योगी जी को जब देखते थे, अपने मुख्यमंत्री जी को, तो उनको गाय को देखते थे ना खिलाते हुए, तो हमारे मन में बहुत उत्सुकता होता था कि अरे कितना मानते हैं, उनको देख कर हमको ये प्रेरणा मिला। बहुत बढ़िया, जानवर हम भी पाले। चलिए अच्छी बात है। मैडम जी अपने यहाँ देखिए कुछ गाय भी रखी हुई है, वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, जगह की कमी नहीं है। ये बात से हम इनके यहाँ खुले में भी भैंसे और गाय जो है चर के रह जाती हैं, और बाकी इनके यहाँ देखिए व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सब की सब भैंसों को चारा दिया जाता है। एक कतार बांध करके जी, और आ जाएंगे तो वो चलनी वो बन रहा है। अच्छा, चरनी इस घर के अंदर? हाँ, वो बन रहा है ना, वो देखिए जी बनवा रहे हैं, उसके अंदर चरन बनेगा जिसमें खाना खाना, हाँ हाँ, जिसमें सब की सब भैंसों को सुरक्षित वहाँ पे चारा दिया जाएगा। एक और भैंस को दिखाया जा रहा है, ये देखिए हरियाणा से आई है ये, हाँ ये हम नामी व्यापारी के यहाँ से मोटे रकम देकर खरीदे हैं। यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा है, नाम को इसलिए गोपनीय रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग उस व्यक्ति की तरफ जाएंगे, कहीं ना कहीं इसी वजह से प्राइवेसी रखा जा रहा है, है ना। अब ये भैंस हमारे यहाँ आ गए हैं तो हमारा नाम चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पैसा दे दिया तो नाम जी बिल्कुल। इधर लाइए भैया, थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा होगा लेकिन लाइए थोड़ा सा। इसका बच्चा क्या है, कितने दिन की है ये? अभी आए हुए हैं 8 दिन। इसका बच्चा कितने दिन का है? 8 दिन। 8 दिन का बच्चा इसके पास पाड़ा बताया जाए। ये पहली व्यात में है, दो दांत की है। इसका देखिए ये पूंछ देखिए एकदम काला है, इसका ये थन देखिए एकदम दुधारू भैंस है ये जी, तो देख लीजिए चारों तरफ से कितनी सुंदर है ये भैंस, काफी अच्छा सेफ है इसका, है ना, चौड़े पुट्ठे की है। और दूसरे बयान में ये भैंस जो है बन के दिखेगी, पहली बयान में है ये पणिया है, है ना। तो मैडम जी बयान में कम से कम ये 14 लीटर दूध देगी। अभी कितना दूध है? अभी तो 8 दिन की ब्याई हुई है, अभी 9 लीटर है। 9 लीटर दोनों टाइम का दूध, क्योंकि अभी 9 दिन 8 दिन हुआ है बच्चा दिए हुए, तो कितना आप लेंगे, एक उतना दूध से आई जी बिल्कुल। अभी हाल ही में भैंस आई है, 8 दिन का बच्चा इसके पास पाना है, पहली बयात में है। मैडम जी इसका दाम बताइए। इसका दाम है 2,20,000। 2,20,000। 2,20,000। आप लोग ये ना समझिएगा कि सिर्फ मैडम जी का बोलना है कि 2,20,000, इनकी क्षमता भी है बेचने की। ये बेचना है, ये हम 2,20 एकदम पर्टिकुलर दाम बता रहे हैं जी, क्योंकि उतना दूर से हम लाए हैं, इसमें हमारा भाड़ा बहुत लग गया है। अच्छा, इसमें कुछ कम होगा कि नहीं होगा ये बताइए, गुंजाइश नहीं, थोड़ा बहुत करिए, थोड़े बहुत कर देंगे जी। मैडम जी का स्वभाव ही ऐसा है भैया कि कहीं भी भैंस इनको बस पसंद आएगी, पसंद आ जाता है, तुरंत ले लेंगे हम, तुरंत देकर। बाधिए भैया, बाधिए। ये पहली पणिया है, ये खिलाई पिलाई अगर अच्छा रहा तो ये अच्छा दूध में उतरेगी, कम से कम हमें लग रहा है कि 13-14 लीटर से दूध कम नहीं होगा। बांध दीजिए। एक और भैंस को दिखाया जा रहा है, सबसे पहले आप लोग इसके शक्ल सूरत को देखिए, है ना, जो लोग जानने वाले लोग होंगे वो लोग जान गए जी। ये भी पहली पड़िया है, और लेकिन अभी ये गाभिन नहीं है जी, अभी करवाए हैं इसको लेकिन जी, हम इस पुष्टि नहीं किया जा सकता है जी। ये जब आपके यहाँ आई थी जी, तो ये कितना दूध दी है? ये दी है 13 लीटर। 13 लीटर, 13-14 लीटर दी है दोनों टाइम का दूध, पहली पड़ी है, दो दांत की है जी। इसको ब्याय कितने दिन हो गया? अभी इसको ब्याय हुए हो गया 6 महीना। 6 महीना अभी कितना दूध है इसका? अभी इसमें 8 लीटर है। बच्चा है? नहीं, इसका लगती है। अच्छा, बच्चा इसका पहले वाली वीडियो में ही बता दी थी कि मर गया। जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैडम जी के यहाँ समय की कमी रहती है, लेबर लोग हैं जो कहीं ना कहीं देख रेख करते हैं, है ना, वो भी
भी अभी चले गए हैं सर। अच्छा जी, अभी चले गए हैं, हम ही को करना पड़ता है, एक ये बेचारे ये करते जी। तो मैडम जी, इसके बारे में आप बताइए कि इसका दाम देखिए 1,70,000। 1,70,000। और जब ब्याने को जब ये जाएगी तो इसका दाम हम लगा देंगे 3,00,000। अच्छा, इस समय हाँ मौजूदा स्थिति में 1,70,000 रुपये दाम इस भैंस का बताया जा रहा है। आम भैंस है ना, आप लोग समझिएगा, ये ना गलती कीजिएगा कि देसी भैंस देखे हैं और इसको भी उसी टाइप से आप लोग जोड़ के देखें, तो इस तरह से आप लोग गलती ना कीजिएगा। जो अच्छे पशुपालक हैं वो लोग इस भैंस को देख के पकड़ लेंगे कि हाँ क्या चीज है, परख लेंगे और जान लेंगे कि हाँ ये क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, आगे क्या और देगी, ये दूध कितना देगी। बिल्कुल, तो अभी 1,70,000 हम मांग रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। यही नामी के यहाँ जाएंगे जो जिसका नाम इस समय बिक रहा है मार्केट में, तो सीधे वो कहेंगे 3,00,000। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम कई जगह पे घूमे हैं फिरे हैं और इस चीज को देख रहे हैं ना, तो लोग ऐसा ही कहते हैं कम 1 रुपया नहीं है, लेना है आपको लीजिए मैडम, नहीं तो जाइए, मैडम को गरज है लेकर आती हैं। सही बात, तो हम जब लेकर आते हैं तो हम भी वैसे ही सेल करेंगे ना, लेकिन फिर लेकिन भी हम तो गुंजाइश कर देते हैं। हाँ हाँ हम बिल्कुल गुंजाइश कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए घास उस भी चरने में सबसे सही और चारा पानी खाने में भी सबसे सही है। हाँ, खाने पीने में हमारे यहाँ के जानवर एकदम। तो मैडम जी, इसमें कुछ कम होगा पैसा? देखिए आप अगर अपने थ्रू लाएंगे तो हम कर ही देंगे भाई, परिचित के हैं ना मैडम जी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर भी बहुत लोड रहता है, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते हैं कि आप ये काम कीजिए, अगर बिकेगा तो हम कम कर देंगे जी। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ गाभिन है, तब फिर हम कम करने का गुंजाइश जी रहेगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगता है, पैसा भी लगता है, दोनों लगता है जी। बिल्कुल, तो मैडम जी अभी गाभिन नहीं है ना? नहीं, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, हम झूठ झपाट नहीं बोलेंगे जी। मैडम जी, बहुत लोगों के मन में ये जरूर होता होगा कि मैडम जी के पास मतलब किस तरह से ये सब भैंसें आती हैं, मतलब क्या इनका सोर्स है, इनकम कहाँ से आता है, थोड़ा सा बताइए खुल के। देखिए हम लोग यहाँ जो है गोदाम है, किराए पर है, देख रहे हैं ये सब किराए पर चलता है अपना, और लान भी चला खोले हैं हम। अगर उसके लिए लोग संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आए लोग। आपके यहाँ लान भी है? हाँ, लेकिन अभी अभी चालू नहीं हुआ है, चालू हो जाएगा आने वाले दिनों में, अगर देख लीजिएगा आगे से पूरा। ये सब सब अपने ही मैडम जी पूंजीपति हैं और यही वजह है कि आप लोग को इतनी महंगी महंगी भैंस दिखाई दे रही है। आप लोग ये ना सोचिएगा, इनके अंदर बहुत क्षमता है, ये कहीं भी जा करके जो अच्छी भैंस रहेगी उसको उठा लेंगे, है ना जी? हाँ, हमें जहाँ अच्छा चीज रहेगा तो हम तो लेंगे, बस हमारे पास ग्राहक उस तरह के आए। हाँ, फिर देखिए हम अपने हाथा में कैसी भैंस बांधते हैं, देखकर आप भी दंग खाएंगे जी। हम नहीं खाएंगे मैडम जी, इसलिए कि हम जगह जगह पे घाट 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 का जो है ना पानी पी चुके हैं ना, अभी हम लोग शौकिया हैं जी, तो अभी यहाँ आने में लोग कतराएंगे और बहुत लोग भड़काते हैं। हम अपने जीवन में देखिए किसान के घर से एक पहली पड़िया जो 20 लीटर से ऊपर दूध दी है जी, हमारे अपने जमनिया क्षेत्र से, तो उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से बिकवाए थे आज से 1 साल पहले 2,75,000 की। लेने वाले भी संतुष्ट थे उस भैंस से, लेकिन उनके यहाँ भी नौकर रखे थे, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से वो भैंस अब बाद में बकेन्ना की स्थिति में बिगड़ रही थी, तो उसको फिर हम लोग खरीद के लाए। उल्टा हम लोग बोले कि ऐसी भैंस जल्दी मिलेगी नहीं। देखिए हमारे यहाँ नौकर चाकर सारे करते हैं, उसके बावजूद भी हम स्वयं करते हैं जी। चलिए मैडम जी, थोड़ा बहुत जरूर ध्यान देती हैं भैंसों पे, कर लेते हैं जी। कोई नहीं रहता है तो हम गोबर भी अपना फेंक लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जानवर का है, हम नहीं करेंगे तो पड़ोसी को बुलाएंगे जी। बिल्कुल, जानवर रखे तो अपने दम पे रखे जी। मैडम जी, अब पिछले वीडियो में मैं इसको भी ऐड किया था, ये जो मैनी, हाँ मैनी नहीं भैया, वो नहीं बिकेगी, इसको नहीं बेचना है, उसको सेल नहीं करेंगे जी, इन लोग को सेल कर देंगे जी। इसको नहीं, इसको नहीं, इसकी देखिए ये बच्चा है जी, ये वाली। हाँ, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये आपके यहाँ दूध में कितना रही है? हमारे 18 लीटर। 18 लीटर, एक अच्छी दूध की भैंस है, और इसका जो बनावट है, इसका मेन लगाव है हम लोग से, इसको हम कभी नहीं बेचेंगे जी, इसको बेचे के ही नहीं जी। बहुत बढ़िया, अच्छी भैंस है। इसका बच्चा वो है ना, ये है। एक और भैंस है, वो देखिए, उसको पहली पड़ गया है, उसको दिखाइए, आइए उसी जगह।
इनके यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, जिधर भैंसे चली जाएंगी, जिधर मवेशी चली जाएंगी, उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये भी पहली पड़ी है जी, इसका पाड़ा है, बच्चा 3.5 महीना का है। आराम आराम से भैया, भैया इधर इधर तो आराम से खाना पर जा रहे हैं। अच्छा, नाद की तरफ जा रही है क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है, और ऐसे में क्या है कि ये सब मवेशियाँ जो चारा भूसा जैसे खाई हैं तो उन्हें भूसा पसंद है, तो कहीं ना कहीं नाद की तरफ, चरण की तरफ जा रही है। इसका बच्चा पाड़ा है। हाँ। ये कितने दिन की ब्याई हुई भैंस है? ये 3.5 महीना 3.5 महीने। हाँ। गाभिन है या फिर? अभी गाभिन नहीं है, अभी गाभिन नहीं। अच्छा जी, अब होगी। अच्छा जी, हीट में आ रही है जी। ये कितना दूध वाली भैंस है? ये 12 लीटर, इस समय 12 लीटर है। 6-6 लीटर टाइम का? 6-7 लीटर सुबह दे देती है, 5 लीटर शाम को दे दे, कोई ठीक नहीं रहता है, घट बढ़ घटता। अच्छा, बढ़ता रहता। आप लोग मान के चलिए 12 लीटर के लमसम दूध देने वाली ये भैंस है। हमेशा एक तरह नहीं देती। इधर ले आई भैया, एक बार कष्ट कीजिए थोड़ा सा। इसका भी दाम बताइए। इसका है 1.5 लाख। 1.5 लाख। ये जाती भैंस है, और कहीं ना कहीं अगर अच्छे व्यक्ति के पास, इसका सींग देख रहे हैं कितना छोटा में कितना जी अच्छे से है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका मिल्क वेन, जिसको दूध की सिराय बोली जाती है, वो स्पष्ट नजर आ रही है। अगर अच्छे व्यक्ति के पास चली जाए ये भैंस और खिलाई पिलाई अच्छी रहे तो इसका दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग ये भूल के भी गलती ना करिएगा, आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये सबके सब देसी भैंसे हैं। सबके सब भैंसों का ताल्लुक सीधा अन्य राज्य से, खासकर हरियाणा की भैंसे हैं ये सब। तो सब की सब भैंसों को मैडम जी दिखा दिया गया है, संपर्क सूत्र हम ऐड करा देना जी, जी जी जी। और कुछ विशेष नहीं, सब अब ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, का कृपा रहेगा, जो खरीदेगा बेचेगा जी, बेचेंगे तो हम, जो खरीदेगा हमसे जी बिल्कुल, भाई वो तो हमारे लिए। आपके मैं दो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, शायद दो ही वीडियो ना जी, जी। तो उसमें बहुत से लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि विपिन भाई बनारस वाली मैडम जी का रेट बहुत ज्यादा है। भैया बोल दीजिए कि हम महंगा खरीदते हैं। हाँ। तो महंगा, अब ये बताइए, एक पटरी पर से खरीदा हुआ कपड़ा, एक शोरूम से खरीदा हुआ कपड़ा, अंतर होगा कि नहीं होगा जी? तो हम लोग जाएंगे तो शोरूम में ही जाएंगे ना जी, बिल्कुल। तो जब शोरूम में जाएंगे तो उतना पैसा गिनेंगे, जब लाएंगे तो हम भी तो चाहेंगे ना हमारा दाम निकले। मैडम जी से मौखिक बातें हुई है जिसमें मैडम जी का कहना है कि आने वाले दिनों में हम अपने जगह पे करीब 10-20 भैंस लाएंगे आराम से, और उसको बेचा जाएगा। हाँ। तो आपका प्लान बना हुआ है? हाँ। ठीक हम है, जो एक बार बना लेते प्लान वो बना ले। आने वाले दिनों में मैडम जी के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी भैंसे देखने को मिलेंगी बनारस के, ये कौन अमरा। सा अमरा में? हाँ, चिताईपुर अमरा जी। चलिए बहुत बढ़िया जी। हमारे चैनल पे आप जो है पहली एक ऐसा पशुपालक हैं। को मेरा प्रणाम है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो हमें लाइक कर रहे हैं, मैं उन लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। बहुत बढ़िया, हमें समय देगा। कहिए आप ये भी कहिए कि अरे भाई हमको सपोर्ट कीजिए, हम एक महिला पशुपालक हैं और कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हम भी समय दे रहे हैं ना वीडियो में आके, इतना तो समय देना आम बात नहीं ना है। सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जो आपको समझने वाले लोग होंगे, आपके शौक को जानने वाले लोग होंगे, परखने वाले लोग होंगे, वो आपको जरूर लाइक करेंगे। अपना रील भी बनाते हैं छोटा छोटा। अच्छा जी, तो कह दीजिएगा कि उसको भी लाइक किया। इंस्टाग्राम वाला बता दीजिए, बोलिए। इंस्टाग्राम पे भी हम अपना रील बनाते हैं, तो उसको भी आप लोग कृपया फॉलो कीजिए। तो आईडी का नाम वो बता दीजिए अपना। अर्चना गुप्ता 2853 जी। चलिए इनको भी फॉलो कीजिए भाई, कहीं ना कहीं इनको भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा, है ना। कहीं ना कहीं सब व्यक्ति विशेष का आप लोग सम्मान कीजिए, यही हमारी कामना है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।